स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें मात्र 3 क्वेश्चन है और तीनों इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये लैंग्वेज वाला फर्स्ट तो ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। अब बच्चे को लैंग्वेज वाले क्वेश्चन से बड़ा एलर्जी होता है, लेकिन यहाँ पे आपको 1% डाउट नहीं रहेगा कि आखिरकार ये क्वेश्चन है कैसा, क्या कह रहा है। एक एक लाइन पढ़ करके डीपली यहाँ पे समझाए हम। देखिए, आपका डाउट यहाँ पे होगा जरूर, आउट टेंशन मत लीजिए, लेकिन आप अपने सिर्फ पढ़ाई पर फोकस रखिए। इसमें आपको 3.5 एक्सरसाइज जो आपका है उसमें का ये 3, 4 और 5 नंबर, यानी कि लास्ट वाले 4 का जो 3 क्वेश्चन बचा था वो ये क्वेश्चन यहाँ पे तीनों बताया गया है बहुत ही मजेदार तरीका से। ठीक है, तो हम लोग बिना देर के देखते हैं वो क्वेश्चन। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर ये जो 3 है, देखिए ये ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यहाँ बोल रहा है कि यस स्कोर 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। एक लड़का यस है जो कि टेस्ट में 40 मार्क्स लाता है, यानी 40 नंबर लाता है, लेकिन देखिएगा नंबर कैसे जुट रहा है, ध्यान से समझिएगा। अगर वह लड़का यहाँ पे कहता है गेटिंग 3 मार्क्स फॉर इच राइट आंसर एंड लॉस 1 मार्क्स फॉर इच रॉन्ग आंसर, बोल रहा है कि 40 नंबर उसको कैसे मिला है। अगर वो क्या कर रहा है तो उस नंबर में अगर एगो सही करता है, एगो क्वेश्चन सही बनाता है तो एगो 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि अगर आपका 2 क्वेश्चन सही है तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 6 नंबर। ये ध्यान रखिएगा, यानी कि 1 क्वेश्चन सही होने पर आपको मिलेगा 3 नंबर। लेकिन एक और कंडीशन है, अगर एगो गलती हो जाएगा ना तो सही वाला में से भी एगो नंबर कट जाएगा। मान लीजिए कि आपने 4 क्वेश्चन बनाया, ठीक है, 4 क्वेश्चन सही बनाए हैं और 2 गलत बनाए हैं, तो 4 सही बनाएंगे तो 4 एगो क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 4 3 कितना हो गया, 12 नंबर हो गया। 3 से गुणा किए तो 4 3 12 नंबर हो गया। और 2 अगर आप गलत बनाए तो 2 नंबर कट जाएगा, एगो गलत पर एगो कट जाएगा, तो 12 में से 2 कट गया तो कितना आया आपका, 10 नंबर बनाए आप। ठीक है, टोटल मिला के आप क्वेश्चन कितना बनाए थे, 6 क्वेश्चन बनाए थे जिनमें 4 आपका क्या था, सही था और 2 गलत था, तो सही पर 3 नंबर मिलेगा तो 3 चौका 12 हो गया, लेकिन गलत पर 2 नंबर भी कट जाएगा तो 12 में से 2 जाएगा 10। यही क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, मान लीजिए कि आप सही एगो क्वेश्चन सही हो रहा है तो कितना नंबर मिल रहा है, 3 नंबर मिल रहा है, यानी कि आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, सही क्वेश्चन कितना है, तो ये पता नहीं है कि क्वेश्चनों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो मान लीजिए कि x सही है तो 3 नंबर 3x, और गलत पर क्या हो जाएगा, नंबर कट जाएगा, तो कितना नंबर बचा है, 40 नंबर। जैसे यहाँ 10 नंबर बचा है ना, वैसे यहाँ 40 नंबर आ रहा है। कुछ सही है तो 3 से गुणा कर दीजिए, कुछ गलत है, गलत को हम लोग y मानते हैं, y मान रहे हैं, और सही को हम लोग क्या मान रहे हैं, x। तो मान लीजिए कि ये गुणा हो गया, और जब घटेगा तो यही लास्ट में रिजल्ट कितना नंबर आया है, इसको 40 नंबर मिला है। किधर है 40, यहाँ है 14 मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे ये क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व होगा, बहुत ही आसान है। आप लोग भी एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में आप लोग निगेटिव मार्क्स के बारे में जानते होंगे, ये होता क्या है। देखिए, सही बन रहा है उसका तो नंबर मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं ना तो उसका नंबर जुटता तो नहीं, ये तो क्लियर है, लेकिन सही में से भी नंबर कट जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़का है 40 मार्क्स लाए, कैसे उसको 40 नंबर मिला है पता है, देखिए कैसे मिला है बेचारा। क्वेश्चन तो बहुत सारा सॉल्व किया, लेकिन देखिए कितना क्वेश्चन सही हुआ कितना गलत हुआ। अगर एगो सही होगा तो 3 नंबर मिलेगा, तो 2 सही होगा तो 6 नंबर नहीं होगा, अगर एगो गलत होगा तो 1 ही नंबर कटेगा। मान लीजिए कि लड़का टोटल मिला के 6 क्वेश्चन बनाया, जिसमें से मान लो कि 4 क्वेश्चन सही बनाया और 2 क्वेश्चन गलत बनाया, तो सही पर 3 नंबर मिलेगा, एगो सही पर 3 नंबर, तो जब 4 सही होगा तो कितना हो जाएगा, 3 से गुणा होगा, 4 3 12 नंबर हो गया। ठीक है, आ एगो गलत करोगे ना तो 1 नंबर कट जाएगा, तो गलती कगो है, 2 गलत है, कगो गलत है, 2 गलत है, तो इसमें से 2 नंबर का हो जाएगा कट जाएगा। तो बाद में इसका लड़का का मार्क्स कितना आया, तो 12 में से 2 जाएगा, 10 नंबर आया, लड़का का मार्क्स कितना है, 10। वैसे ही क्वेश्चन कह रहा है कि लड़का का मार्क्स आया है 40 नंबर, कितना नंबर आया है, 40 नंबर, लेकिन कैसे 40 नंबर आया है, तो कुछ क्वेश्चन सही है कुछ क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन की संख्या नहीं पता है। तो आप मानिए कि सही क्वेश्चन, मान लीजिए कि आप मानने के लिए मानना पड़ेगा आपको कि सही उत्तरों की संख्या, माने क्वेश्चनों की संख्या, सही को क्वेश्चन बनाए, तो मान लीजिए कि सही बनाए होंगे आप x, ठीक है, अब माइनस आप कर रहे हैं ना यहाँ पे, और गलत बनाए होंगे y, क्योंकि नंबर पता तो नहीं है ना कि कितना क्वेश्चन सही है कितना गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, 3x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका y, 3x - y, जब ये सही वाला में से गलत वाला नंबर घटेगा तो कितना लड़का का नंबर आया है, 40। एज इट इज सेम यही एक बात बोला है, और
यहाँ देखिए बोला है यहाँ पे कि 4 marks बीन अवार्डेड फॉर इच करेक्ट आंसर, अगर आप सही बनाते हैं तो अब 4 number मिलता है, तो सही वाला ये है ना, तो यहाँ लिखिएगा आप 4x और माइनस, अगर गलत बनाते हैं तो 2 number कटता है, तो 2y, ठीक है, और उसके बाद से टोटल मार्क्स इसको कितना मिला है 50 number, तो समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 ये हो गया, ठीक है, ये सही वाला है और ये गलत वाला है, तो इसको हम लोग क्या करें, अब लैंग्वेज में सुटेबल तरीके से देखें, ये समझ में आपको आया होगा, तो अब देखिए यहां लिखेंगे, माना कि सही प्रश्नों की संख्या कितना है, कौन कौन प्रश्न सही बना है 100, ठीक है, तथा गलत प्रश्नों की संख्या कितना है y, प्रश्न से कौन क्वेश्चन सही है x, आ एगो सही पर कितना नंबर 3 number, तो हो जाएगा 3x माइनस कितना y बराबर कितना 40, समीकरण हो गया 1, ठीक है, दूसरी स्थिति में क्या होगा, सेकंड कंडीशन में यहां लिख देते हैं हम लोग सेकंड स्थिति, ये फर्स्ट स्थिति लिख सकते हैं, इसमें क्या होगा टोटल सही कौन होगा, इसमें 3 marks मिलता है लेकिन इसमें 4 marks मिलता है, और कितना गलत पर 2 नंबर कट जाता है, और टोटल मिला के कितना नंबर आया है 50 number, समीकरण 2 आपका। जब समीकरण 1 और 2 पता हो गया तो शुभ काम में देरी क्यों, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप जब 2 समीकरण मिल गया तो आप लगाइए ना फॉर्मूला वज्र गुणन विधि यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्या कीजिएगा सबसे पहले इसको इधर ला लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 3x माइनस वाई माइनस 14 और ये हो जाएगा 4x माइनस 2y माइनस 15, ठीक है, अब यहाँ पे a1 a2 पहले लिख लीजिए आप, a1 कितना है, a1 है आपका 3, b1 कितना है कुछ नहीं है, तो यहाँ पे देखिए माइनस वाई है ना, तो माइनस वाई नहीं 1 लिखते हैं कुछ नहीं है तो, और आपका c1 कितना है, तो c1 माइनस में 14 है, वैसे ही a2 है आपका 4, b2 है माइनस 2 और c2 है माइनस 50, जब आपको ये पता है तो लगाइएगा यहाँ पे कौन सा मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यानी वज्र गुणन विधि, क्या होता है फॉर्मूला, तो पहले ऊपर होगा एक्स वाई है ना, तो पहले एक्स होगा बीसी में से क्या घटाइएगा, बीसी बराबर वाई बट्टा सी ए में से सी ए घटाइएगा, उसके बाद से 1 बट्टा ए बी में से क्या घटाइएगा, ए बी घटाइएगा 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कीजिए, अब यहाँ पे काम आपको ये करना है कि ये वैल्यू पुट करना है, वैल्यू कैसे पुट कीजिएगा, तो यहाँ पे b1 c2 b1 कहाँ है, तो b1 माइनस 1 इंटू c2 दिया है ना, c2 है माइनस में 50 इंटू माइनस है तो माइनस, उसके बाद से b2 c1 b2 माइनस 2 है और c1 कितना है, तो c1 आपका माइनस में 40 है, हो गया, और इज इक्वल टू वाई बट्टा, देखिए यहाँ पे C1 A2 C1 मतलब कि माइनस में 40, उसके बाद से A2 A2 कितना है, A2 आपका 4 है, मेन माइनस है तो माइनस लिख दिया, C2 A1 तो C2 है माइनस में 50, यहाँ माइनस में 50 इंटू, जब C2 माइनस में 50 तो A1 कितना है, A1 आपका 3 है, कितना है 3 इज इक्वल टू 1 बट्टा A1 B2 A1 कितना है, तो लिखिएगा यहाँ पे 3 इंटू B2 कितना है आपको, तो B2 है यहाँ देखिए A1 अब B2 माइनस में 2, माइनस है तो माइनस, A2 आपका है 4 इंटू B1 है माइनस में 1, अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो लिखिएगा यहाँ पे एक्स बटा 50 में 1 से तो हो जाएगा 50, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस ये देखिए 40 × 2 = 80 लेकिन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आई मेन माइनस है तो यहाँ पे 80 ऐसे हो जाएगा, ठीक है, वैसे भी यहाँ लिखा है B2 C1 तो B2 माइनस 2 था और C1 आपका माइनस 40 था, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, बराबर वाई सॉरी हाँ यहाँ पे ठीक है
वाई बटा 40 चौका कितना होता है, तो 4 चौका 16 160 माइनस माइनस आपका प्लस 50 तय हो जाएगा आपका 150 150 इज इक्वल टू 1/3 दूना 6 माइनस में और 4 एकम 4 प्लस में, ठीक है। तो ये देखिए तो x बटा 80 में से 50 जाएगा तो माइनस में 30। देखिए बड़ा वाला जिसमें रहता है उसी का सिंबल रहता है, और घटाते कब है, तो जो जब एक प्लस में हो एक माइनस में हो। क्यों? क्योंकि देखिए एक जात का होगा तो उसको जोड़ेंगे ना, एक जात में यूनिटी ज्यादा होता है इसीलिए उसको पास में रखेंगे, और अलग अलग हुआ तो उसको घटाएंगे, उसको कम करेंगे, ठीक है। वाई बटा 160 में से 150 जाएगा तो माइनस में 10 और ये हो जाएगा माइनस में 2, क्योंकि सब बड़ा वाला सिंबल हम दिए हैं। अब एक काम कीजिए ना, ये तीनों आपस में बराबर कर रहे हैं तो इसको एक बार इसके बराबर कीजिए, यानी कि x बट्टा माइनस 30 बराबर 1/2 माइनस में, माइनस माइनस कटम 15 दूना कितना हो जाएगा 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा x बराबर 15। कैसे? तो x में कुछ नहीं है तो x से रह जाएगा, 15 एकम 15 हो जाएगा। दूसरा कंडीशन देखिए, एक बार इसको इसके बराबर कीजिए तो y बट्टा माइनस 10 बराबर हो जाएगा 1/-2, ये माइनस से माइनस खत्म, 2 × 5 = 10, y बराबर आपका हो गया 5। जब तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो y बराबर 5। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, तो एक बार आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको भारी नहीं है, जो जनरली हमारे लाइफ मैथमेटिक्स क्या है, जो हमारे जिंदगी में हमेशा चलते रहता है, जो घटना घटता है उसी को एगो लैंग्वेज में सजा करके लिख दिया जाता है। हम लोग बाजार जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 2 किलो चीनी लेते हैं, उसके हिसाब से हम उसको पैसा दे देते हैं। तो क्या है, वहां एक मैथमेटिक्स चल रहा है ना, हर जगह मैथमेटिक्स है, ठीक है। यहां भी क्वेश्चन कह रहा था, आप सोचिए ना, बड़ा बड़ा जो एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, निगेटिव मार्क्स भी होता है। सही बना रहे तो उसका तो नंबर मिल ही रहा है, लेकिन अगर गलत आप टिक मार के आए हैं तो उसका नंबर घट जाता है। वही तो यहां पे किया गया है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम लोग बिना देर किए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान है, बहुत ही आसान है। देखिए इस घटना को आप कहीं बहुत जगह देखे होंगे या फिर आप भी बहुत जगह प्रैक्टिकल किए होंगे। आप अपने दोस्त के साथ जब बाइक रेसिंग करते हैं, ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि आपका दोस्त आपसे आगे चल रहा है, ये गाड़ी ये मान लीजिए कि आगे चल रहा है, आप दोस्त आपका यहाँ पे है और आप यहाँ पे है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, आप इसको ओवरटेक कीजिएगा, स्पीड चलाइएगा। कभी ना कभी एक ऐसा समय आएगा जब क्या होगा, इसको आप पकड़ लीजिएगा, आप इससे आगे निकल जाएगा, आप क्या हो जाएगा, आगे निकल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखिए गाड़ी दोनों में से कोई रुकी हुई नहीं है, दोनों गाड़ी चल रही है, आप यहाँ थे ये यहाँ था, लेकिन अंतर क्या था कि आप थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं और ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है, आपसे स्लो चल रहा है तभी तो आप पकड़ लिए। मान लीजिए कि एकदम 60 का स्पीड ये चला रहा है और आप चला रहे हैं 50 का स्पीड, यानी एक घंटा में आप 50 किलोमीटर भाग रहे हैं और वो 60 किलोमीटर भाग रहा है, तो आप कभी पकड़ पाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इस गाड़ी से अपने दोस्त की गाड़ी से स्पीड गाड़ी चलाएंगे तो जरूर कुछ देर के बाद, थोड़ा समय लगेगा, कुछ देर के बाद पकड़ लीजिए। कैसे, मान लीजिए कि एक यहाँ पे गाड़ी है और एक यहाँ पे गाड़ी है, अगर ये दोनों गाड़ी एक ही स्पीड से चले तो हमेशा ऐसे ही चलते रहेगी, हमेशा ऐसे ही, जितना दूर ये गई उतना ही दूर आई। लेकिन अगर ये थोड़ा स्लो चले, अगर ये थोड़ा फास्ट चले, तो देखिए एक ऐसा समय आएगा कि ये ओवरटेक कर रही है। ऐसा नहीं है कि ये भी रुका हुआ है, देखिए ये भी स्लो चल रहा है, लेकिन स्लो चल रहा है, ये थोड़ा सा क्या हो रहा है, फास्ट चल रहा है। तो यही बताना है, ठीक है, कि एक गाड़ी है 5 घंटे बाद एक दूसरे को ओवरटेक कर लेती है, तो आखिरकार पहली गाड़ी जो थी ये वाली और जो दूसरी गाड़ी है ये वाली, ठीक है, आखिर इसका स्पीड क्या रहा होगा, इसका स्पीड क्या रहा कि ये पीछा कर ली इसका, इस जाहिर सी बात है इसका स्पीड ज्यादा होगा, इसका कम होगा, तभी तो ये पीछा कर ली। यही क्वेश्चन समझना है। अब बस इसमें एक चीज दे दिया है, ये गाड़ी अभी खड़ी कहाँ है, शर्त लगा है कि देखो एक लड़का डायरेक्ट इसको चैलेंज किया है कि देख दोस्त तू मेरे से अभी 100 किलोमीटर दूर रहो तब कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला है, फिर भी हम तुमको पीछा करके दिखाएंगे, जाओ अभी से तुम आगे चले जाओ, अब हम कुछ देर के बाद तुमको पीछा करके दिखाएंगे। वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, ठीक है, यानी ए और बी के जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना किलोमीटर लगभग है 100 किलोमीटर समझ लीजिए। डायरेक्ट हाईवे एक रोड है, ये मान लीजिए कि ए यहाँ पे हो गया, बी यहाँ पे हो गया, दोनों के बीच की दूरी कितना है 100 किलोमीटर है। एक गाड़ी यहाँ पे है, ठीक है, इसको गाड़ी समझ लीजिए, एक गाड़ी यहाँ पे है, ये दोनों के बीच की दूरी, ये बोला है कि तुम 100 किलोमीटर हमसे दूर है ना, कोई बात नहीं हम तुमको पीछा करके रहेंगे। कितना देर के बाद पीछा करा है, यहाँ देखिए दोनों एक के साथ चालू किया
अपना अपना दोनों गाड़ी एक साथ चालू किया, ये 100 किलोमीटर आगे है। कितना किलोमीटर आगे? 100 किलोमीटर। अब कह रहा है यहां से देखिए, वन कार यानी कार यहां पे बात हो रहा है, वन कार स्टार्टेड फ्रॉम ए एंड अनदर कार फ्रॉम बी एट द सेम टाइम स्टार्ट हुआ है। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में दोनों चलेगा, ठीक है, सेम डायरेक्शन एट अ डिफरेंट स्पीड, इसका स्पीड तो अलग अलग। देखिए ये नहीं बोला गया है कि दोनों आदमी एक ही स्पीड से चलाएंगे, तब तो कभी ये पीछा नहीं कर पाएगा, ठीक है। कह रहा है कि आपको जिस तरह मन करे उस तरह चलाइए, उससे मतलब नहीं है, हमको पीछा करके दिखाइए, ये बोला है, ठीक है। बोला हम कर लेंगे, तो पीछा किया है, 5 घंटा लग गया है इसको पीछा करने में, क्योंकि ये भी गाड़ी रुकी हुई नहीं है, 100 किलोमीटर है लेकिन रुकी हुई नहीं है, इसका भी कुछ अपना धीरे धीरे चल रही है। देखिए हम लोग जब रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा दोस्त अगर पीछे रह जाता है तो हम लोग रुकते थोड़े हैं, थोड़ा सा रनिंग स्लो कर देते हैं, जब वो मीडियम में आ जाता है तो क्या करता है, थोड़ा सा चालाकी करके वो आगे भागने लगता है। यही बात है, ये रुका नहीं, ये भी चल रहा है लेकिन ये स्पीड से थोड़ा चल रहा है, इसका स्पीड थोड़ा कम होगा, इसका ज़्यादा होगा। 5 घंटा में इसको ये ओवरटेक कर लिया है। मान लीजिए कि 5 घंटा जैसे बीता तो ये भी कुछ आगे गई होगी, अब 5 घंटा में ये वाला भी यहां तक पहुंच के इसको पीछा कर लिया है, समझ आया? 5 घंटा में ये भी कुछ आगे बढ़ा और 5 घंटा में ये इसको पीछा कर लिया, और दोनों का दूरी कितना किलोमीटर हो गया, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस मेंटेन हो गया। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले हमको इसका ना इस कितना स्पीड भाग रही है ये भी नहीं पता है, एक गाड़ी कितना स्पीड भाग रही है ये भी नहीं पता है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसके स्पीड को एक्स मानते हैं और इसके स्पीड को वाई मानते हैं। देखिए यहाँ पे ए पॉइंट से, ए बिंदु से चलने वाली कार की चाल, इसका चाल यानी स्पीड को मान लिए एक्स, तथा बी बिंदु से चलने वाली कार की चाल हो गया वाई। अब आप बताइए कि यहां से यहां ये चल दिया, ठीक है, यानी पूरा x, तो कितना घंटा लगा है, एक आपको फॉर्मूला हम बता देते हैं। यहां से यहां जब चला है तो देखिए समय कितना लगा है, आप बताइए कि हम इस चाल को मान लिए, दूरी भी हमको पता है, ठीक है, तो यहां क्या कीजिएगा, आप सोचिए कि यहां पे आप डिस्टेंस यानी दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है, या फिर अगर हम आपसे बात बोले चाल बराबर स्पीड बराबर क्या होता है, तो आप कहिएगा दूरी बटा समय होता है। तो फिर दूरी, अब ये थोड़े पता है कि ये कितना दूर गया है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखिएगा स्पीड और क्रॉस मल्टीप्लाई, ये देखिए फॉर्मूला अपने से बनाया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा क्योंकि बीच में बराबर है, तो समय और ये क्या हो जाएगा, ये समय और स्पीड हो जाएगा, यहाँ समय और यहाँ पर क्या बच जाएगा, दूरी बच जाएगा, ये आपकी चाल है, ठीक है। अब बताइए कि यहाँ से ए के लिए यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, ये तो पता नहीं है ना कि कब जाके पकड़ा है, तो यहाँ चाल दिया है, चाल कितना है ए का, एक्स, और इनटू समय कितना लिया है, 5 घंटा, अब बराबर दूरी, क्या दूरी बराबर क्या है, 5 में 1 से तो ये हो जाएगा 5x, इसके लिए दूरी क्या हो गया, 5x। अब देखिए y के लिए दूरी क्या होगा, तो दूरी बराबर तो आपको पता हो गया ना, चाल को किससे गुणा करते हैं, समय से गुणा करते हैं। अब बताइए कि y के लिए चाल कितना है, तो चाल है वाई, और समय कितना है, तो ये भी 5 ही घंटा लगा है, तो ये कितना हो गया, 5y। ये देखिए इसका दूरी हो गया 5x, ये 5x चला है और इसका दूरी हो गया है 5y, और दोनों मिला के कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो मात्र 100 किलोमीटर, क्योंकि उनके बीच का अंतर कितना का था, 100 किलोमीटर का था। भले कितना भी दूर चले जाए, स्टार्टिंग में कोई भी कहे कि हाँ इन लोगों के बीच में 100 किलोमीटर दूरी था, तभी ये पीछा कर लिया, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, पीछा कैसे करेगा, जैसे जैसे ऐसे जाएगा तो दूरी घटेगा, तभी तो पीछा करेगा ना, ये जाएगा तो दूरी घटेगा। तो आप यहां पे लिखिएगा प्रश्न से, प्रश्न से लिखने के बाद से 5x यही पीछा कर रहा है किसका, 5y का, दूरी कितना था, 100 किलोमीटर टोटल दूरी तय करना था, ठीक है। तो यही आपका था, अब इसकी जरूरत अभी नहीं है। यहां देखिए जब ये आपका इतना हो गया, तो यहाँ से दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है, 5 कॉमन लीजिए, तो बचेगा x, और यहाँ से 5 निकल गया तो y बराबर में हो गया ये 100, कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 20, x माइनस y बराबर कितना हो गया 20, समीकरण 1। आगे और कुछ क्वेश्चन करा, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड इच अदर, अगर दूसरे का बात हम लोग कर रहे हैं, तो दे मीट इन 1 आवर, ठीक है, व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार। यहां थोड़ा सा कह रहा है कि वह एक दूसरे के अगर सामने के तरफ आए, मान लीजिए कि ये दोनों गाड़ी यहां पे है, ठीक है,
ये वाली गाड़ी और ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, ये दोनों गाड़ी है। अब कह रहा है कि ये दोनों गाड़ी पहले तो ऐसे चल रही ना, अब ऐसे नहीं आ रही है, एक गाड़ी इधर से आ रही है और ये गाड़ी, बीच की दूरी कितना है, अभी ये बीच की दूरी 100 किलोमीटर है और ये दोनों गाड़ी ऐसे आ रही है, तो एक घंटा में ये दोनों यहाँ पे आ जा रही है, कितने घंटा में आ जा रही है, एक घंटा में। तो ये तो आपको पता है कि शुरू से फास्ट चली है तभी तो पीछा किए, तो ये यहाँ तक पहुँची तब तक ये वाली यहाँ पे आके मिल गई, एक घंटे के बाद ये दोनों आके मिल जाता है। तो फिर वही बात पूछा है कि भाई इसका स्पीड अभी भी तो नहीं निकला, ये बड़ी फास्ट चल रही है, बहुत जल्दी पीछा कर ले रही है, तो इसका स्पीड क्या है और इसका स्पीड क्या है, ये क्या है इतना स्लो चले, क्या है थोड़ा सा अजीब सी गाड़ी है भाई, इसमें स्पीड क्यों नहीं है। तो देखिए ये वाला एक घंटे में गया है, तो अब बताइए कि आप ये भी गई है सीधा सामने गई है, ये भी अपने सामने आ रही है एक घंटा में, तो एक घंटा में गई है तो एक से गुणा, तो x में एक से गुणा करने से कोई फायदा नहीं होता है, इसके चाल को हम x माने हैं, इसके चाल को y माने हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, और दोनों मिलके कितना दूरी तय किया है लो, इधर से मिला के दोनों 100 किलोमीटर वाला दूरी अपना तय करे, दोनों तो 100 ही ना था जी, कुछ ये चली या कुछ ये चली, दोनों मिला के कितना 100 किलोमीटर, समीकरण ये क्या हो गया 2। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा, पहला कंडीशन में ये था और दूसरा कंडीशन में आपका ये हो गया, ठीक है। जब ये दोनों कंडीशन आपके पास हो गया समीकरण 1 और 2, तो आप कौन सा मेथड का यूज करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कीजिएगा, ठीक है। आपको अगर यूज करना है तो वज्र गुणन विधि भी यूज कर सकते हैं, वज्र गुणन विधि, ठीक है। कैसे, तो होता है x बटा बी सी माइनस बी सी, वाई बटा सी ए माइनस सी ए, और ये क्या हो जाएगा 1 बटा AB माइनस AB, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू ला के भर दीजिए, पहले काम करते हैं A1 A2 मान लेते हैं, यहाँ A1 कितना है, A1 है कुछ नहीं है यहाँ पे, तो X है तो X के साइड में कुछ नहीं तो 1, A2 कितना है कुछ नहीं लेकिन माइनस है तो -1, और A1 यहाँ पे B1 हो जाएगा, और C1 कितना है, तो C1 ये प्लस में है इधर आएगा तो -20, ठीक है। वैसे ही ये भी हो जाएगा A1 = 1, A2 = 1, B2 = 1, और C2 = ये प्लस में नहीं आएगा तो -100, ठीक है। इतना तक आपका हो गया। अब फॉर्मूला भरिए, x बटा B1 C2, देखिए यहाँ पे B1 - 1 C2 100, माइनस तो माइनस, B2 C1, तो यहाँ B2 क्या है, B2 1 C1 माइनस में 20। यहाँ एक मिनट देखिए, तो ये 100 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 100 हो जाएगा, माइनस में रखिए, ठीक है। यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू वाई बट्टा C1 A2, C1 कहाँ है, C1 - 20, A2 1 - C2 A1, C2 है माइनस में 100 इंटू A1 कितना है, A1 है आपका 1, इज इक्वल टू 1 बट्टा A1 B2 A1 1 इंटू B2 1 माइनस A2 B1 A2, यहाँ पे हो जाएगा A2 1, अब B1 - 1, ठीक है। A2 B1 हो गया, तो यानी कि A2 1, अब B1 आपका कितना, A1 B2, तो A1 B2 A2 B1, तो हो जाएगा A2 B1, ठीक है। x बटा ये हो जाएगा 100 माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 20, इज इक्वल टू वाई बट्टा बी से कम 20 माइनस माइनस प्लस में, ये हो जाएगा आपका 100 इज इक्वल टू 1 बट्टा 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1। देखिए आपको एक ही जगह इसमें परेशानी होगा, इस वैल्यू को पुट करने में, ठीक है, गलत भर आएगा गलत आंसर आएगा। x बट्टा 100 में से 20 जाएगा हो जाएगा आपका 120, और y बट्टा 100 में से 20 जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 80, और ये 1 बट्टा 2। एक बार इसको इसके बराबर कीजिए, तो हो जाएगा x बट्टा 120 बराबर 1 बट्टा 2, कटाइएगा तो ये 60 आएगा, यानी तिरछा तिरछी गुणा होगा तो क्या हो जाएगा x बराबर 60, आपका ये एक हो गया। दूसरा हो जाएगा y बट्टा 80
बराबर एक बटा दो, जब कटाइएगा तो होगा 40, ये आपका क्या हो गया एक वाई बराबर 40। कुछ समझ आया? ये वाली जो एक्स वाली गाड़ी है ना वो 60 के स्पीड से चल रही है और वाई वाली गाड़ी 40 के स्पीड से। अब 5 घंटे बाद मिलिए तो सुनिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि ये एक यहाँ एक है यहाँ एक है, तो बताइए एक घंटा में ये 60 किलोमीटर चलेगी तो 5 घंटा में कितना चलेगी? तो 5 घंटा में ये 6×5=30, 300 किलोमीटर चलेगी। और दूसरा यहाँ देखिए 100 किलोमीटर यहाँ से बीच की दूरी है ना, 100 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ 100 किलोमीटर। अब देखिए अवाई चल रही है एक घंटा में 40 किलोमीटर, तो 5 घंटा में कितना, 5×20, 200 किलोमीटर। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक ये एक के साथ चलाया था 200 किलोमीटर गई है और ई गाड़ी गई है 300 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ 100 तो कवर कर लिया ना, और उसके बाद से 200 और तो पकड़ नहीं लिया, यहाँ पे आखिरकार ओवर टेक कर ही ली। तो यही आपका क्वेश्चन था, तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3.5 का। एक क्वेश्चन नंबर ही लास्ट है, यानी कि आपका 5 नंबर है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि ये आयत का क्षेत्रफल आप लोग शुरू में ही पढ़ चुके हैं। आयत समझते हो क्या होता है? आयत का मतलब देखिए, ये बोर्ड आयत टाइप का दिखेगा, एक लंबा है और एक चौड़ा है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ये आयत पर ही क्वेश्चन है। मान लीजिए कि आयत का लंबाई चौड़ाई, मान लीजिए कि जितना बड़ा होगा, ये जितना बड़ा होगा उसी हिसाब से तो ये बोर्ड बहुत बड़ा होगा ना, यानी बोर्ड जितना बड़ा है इसको क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। यानी ये पूरा जो जगह है, जैसे कि आप क्या करते हैं, खेत देखे हैं, खेत, खेत में क्या होता है ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि ये खेत है, तो खेत आपका जितना लंबा होगा, खेत आपका जितना चौड़ा होगा, उतना ही दूर में आपका खेत होगा सबसे बड़ा। तो जितना दूर में आपका खेत होगा, ये बीच में जितना भी जगह ये सब बच रहा है, यही इसका क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल बड़ा कैसे होगा, ये किस पर डिपेंड करता है? आपका जितना लंबा खेत होगा, जितना चौड़ा होगा, उतना ही आपका खेत भी बड़ा होगा, ठीक है। तो यही इसमें क्वेश्चन पढ़ना है। देखिए अब याद कैसे रखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है आयत का क्षेत्रफल? अच्छा बताइए, एक हमको बात बताइए, आगे बढ़ने के लिए आपको किस चीज़ की जरूरत है? पढ़ाई की जरूरत है। तो ऐसे ट्रिक याद कीजिए ना कि आगे बढ़ने के लिए जरूरत है हमें पढ़ाई, सब्जी बनाने के लिए जरूरत है हमें कढ़ाई, ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, ऐसे याद रखिए, मजा आएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ द लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। कह रहा है कि एगो आयत है, आयत समझते हैं, ये बोर्ड जो है आयत टाइप का है, मतलब मान लीजिए कि ये आयत है और आयत का देखिए खेत जो होता है या कुछ भी, ये लंबा है एक चौड़ा है, तो जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, ठीक है। वैसे तो आयत खेत कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है कि मान लीजिए कि एक आयत हो गया और आयत का जो क्षेत्रफल निकलता है, अब ये क्षेत्रफल होता क्या है, तो खाली लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर दीजिए, पता चल जाएगा क्षेत्रफल क्या है। क्षेत्रफल किसे कहते हैं? जो हम लोग अनाज अंदर उपजाते हैं ना, तो अंदर के जगह को क्षेत्रफल कहते हैं, अंदर जितना जगह होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। तो कह रहा है कि हमारा क्षेत्रफल वह घट जाता है, यानी अनाज उपजाने वाला जगह है वो क्या हो जाता है, मान लीजिए कि आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं, वो घट जाता है कब, जब आप बताइए कि लंबाई चौड़ाई घटेगा तो क्षेत्रफल भी घटेगा। जितना लंबा ये होगा आपका खेत, लंबा होगा आपका खेत, जितना चौड़ा होगा उतना ही खेत आपका बड़ा होगा। तो जब क्षेत्रफल घटेगा, कब घट जाएगा, जब उसके लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाता है, वो भी घट जाता है, बढ़ जाता है, जो भी है। तो मान लीजिए कि लंबाई को हम मान लिए एक्स और चौड़ाई को मान लिया वाई, क्षेत्रफल कैसे निकलता है, लंबाई और चौड़ाई को खाली गुणा कर दीजिए, तो क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना घटेगा, यही ना क्षेत्रफल है, 9 यूनिट स्क्वायर यूनिट घट जाता है। कब घट जाता है, जब इसके लंबाई में 5 को घटा दीजिए और चौड़ाई में आप 2 यूनिट, चौड़ाई में आप कितना कर दीजिए, 3 यूनिट जोड़ दीजिए। जब आप इसके लंबाई में 5 यूनिट घटा देते हैं और चौड़ाई में 3 जोड़ देते हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे 9 यूनिट घट जाता है, यही तो बोला है। तो ना आपको लंबाई पता है ना चौड़ाई पता है, अगर ये रहता 12 तो 5 घटा दे तो ये कितना हो जाता, 12 में से 5 गया 7 हो जाता। अगर ये रहता, मान लीजिए कुछ भी रहता, 4 रहता, 3 जोड़ देते तो ये 7 हो जाता। तो ये इस प्रकार से है। तो अब देखिए, तो सबसे पहले हमको लंबाई और चौड़ाई मानना पड़ेगा, तो लंबाई चौड़ाई माना यहां पे लिख रहे हैं, माना कि आयत की लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर y, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही ना हो जाएगा जी। फिर लिखिए यहां पे प्रश्न से,
प्रश्न से में यही सब लिखा जाता है। अब ये क्या लैंग्वेज लिखे कि किसमें क्या बढ़ाना है, डायरेक्ट लिखो ना लंबाई में कितना बढ़ाना घटाना है, 5 घटाना है, यानी कि यहाँ लिखिएगा क्षेत्रफल, यहाँ लिखिएगा पहले क्षेत्रफल कितना है एक्स वाई, कब जब लंबाई और चौड़ाई को आप क्या किए हैं गुणा किए हैं तो क्षेत्रफल इतना आया है। लंबाई में 5 घटाने को बोल रहा है, ठीक है, और चौड़ाई में 3 बढ़ाने को बोल रहा है, तो क्षेत्रफल कितना घट जाता है 9 यूनिट घट जाता है। जब इसमें घटाए इसमें जोड़े तो ये इतना हो जाता है, यही था। अब इसको सॉल्व कीजिए, एक्स वाई माइनस 9, ब्रैकेट वाला क्वेश्चन सॉल्व करने आता है, क्या करेंगे इस एक्स में दोनों से गुणा करेंगे फिर माइनस 5 में दोनों से करेंगे, ठीक है, तो एक्स में वाई से तो एक्स वाई, फिर एक्स में 3 से तो 3x, ठीक है, इसको मिटा दीजिएगा आपको लिखने में परेशानी होगा, माइनस 5y और ये 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम लोग, एक जात को एक जगह करते हैं, मतलब एक जात को क्या सब एक ही तरफ कर लेते हैं, तो ये मान लीजिए कि इधर हम भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 0 बचेगा, यहाँ पे बचा एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में हो जाएगा एक्स वाई, ये माइनस में इधर आया तो प्लस में 9 हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाई से एक्स वाई खत्म हो गया, ये बचा 3x माइनस में आपका 15, सॉरी माइनस में आपका 5y, आई 15 में से 9 जाएगा तो बचेगा आपका 6 माइनस में, ठीक है, ये आपका मान लीजिए कि क्या हो जाएगा समीकरण एक मानना है तो इसको मान सकते हैं। दूसरा कंडीशन सेम वही कह रहा है, लंबाई चौड़ाई पता है क्षेत्रफल भी पता है, अब क्या कह रहा है कि लंबाई या चौड़ाई में क्या करना है, तो देखिए यहां पर कह रहा है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ, इंक्रीज माने होता है बढ़ाना, ठीक है, इंक्रीज कीजिए लेंथ में 3 और ब्रेथ में 2 इंक्रीज कीजिए, माने इसमें 3 करना है इसमें 2 करना है, तो जब दोनों में लंबाई भी आपका खेत का बढ़ेगा चौड़ाई भी बढ़ेगा तो खेत का क्षेत्रफल भी तो बढ़ेगा खेती करने वाला, तो क्षेत्रफल बढ़ता है कितना 67 बढ़ जाता है, ठीक है, एक्स वाई प्लस 67, तो फिर वाई वाई दोनों को गुणा करो ये भी लिखो, लेकिन यहां नहीं, यहां पे स्थिति 2 में लिखो, कंडीशन 2, स्थिति 2 क्या कह रहा है, यहां पे एक्स वाई है 67 हो जाता है कब, जब इसके लंबाई में आप कितना इंक्रीज कर दे 3 और चौड़ाई में बढ़ा दे 2, ठीक है, तो आप ये ऐसे कर दीजिए अब, ठीक है, ये गुणा कीजिए एक्स में वाई से तो एक्स वाई, एक्स में 2 से तो 2x, एक्स 3 में वाई से तो 3y, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 3 × 2 = 6, और यहाँ पे बचा एक्स वाई प्लस में 67, इसको इधर ला लीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस एक्स वाई, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये भी हो जाएगा माइनस में 67, इससे ये ख़त्म हो गया तो बचा यहाँ पे 2x प्लस 3y, 67 में से ये 6 जाएगा तो बचेगा 61, ठीक है, इधर कुछ नहीं तो 0 लिख दीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, तो जब यहाँ पे समझ में आया तो जब दो गो समीकरण आपको पता हो गया तो एक फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, वज्रगुणन विधि फॉर्मूला लगाइए, आपका बन जाएगा वज्रगुणन विधि फॉर्मूला। से सबसे पहले हम लोग A1 A2 B1 B2 मान लें, ठीक है, देखिए अब यहाँ पर लिखते हैं हम A1 कितना है 3, इसमें A1 है, B1 कितना है माइनस में 5 और C1 कितना है माइनस में 6, वैसे ही A2 2, B2 3 और C2 61 हो गया। जब ये चीज़ पता है इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमको इधर बनाना है, इधर जगह नहीं है इसलिए इधर हम लोग बनाएंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग भरते हैं वज्रगुणन विधि, वज्रगुणन विधि हमको यहाँ पे भरना है। वज्रगुणन विधि क्या है, वज्रगुणन विधि से, ठीक है, फॉर्मूला है x बटा BC में से क्या घटाइएगा BC, उसके बाद से CA में से CA, फिर उसके बाद से AB में से AB, 1 2 2 1, 1 2 2 1 और 1 2 2 1, ये फॉर्मूला याद करने का ट्रिक है। वैल्यू भरिए, क्या दिया है x बट्टा b1 c2, b1 कितना है, b1 आपका है माइनस 5 इंटू, c2 कितना है 61 है, लेकिन माइनस नहीं प्लस में है, ये प्लस है कि माइनस हो जाएगा, ये माइनस में होगा यहाँ पे, क्योंकि ये भी माइनस है, ये हो जाएगा माइनस में, मेन माइनस लिख देते हैं। और देखिए b2 c1, b2 कितना है, तो b2 है 3, b2 आपका है 3
और C1 कितना है, तो C1 देखिए 6 है लेकिन माइनस में 6 है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 6 है लेकिन किस में 6 है, माइनस में, इधर हम मिटा चुके हैं। अब देखिए आगे हम लोग को देखना है वाई बट्टा C1 है माइनस 6 और A2 आपका 2, ठीक है, माइनस C2 कितना है, C2 आपका माइनस 61 इंटू A1 कितना है, तो A1 आपका 3 है इज इक्वल टू 1/2 A1 B2 A1 है 3 और B2 है आपका 3 माइनस A2 2 और B1 माइनस में 5, ठीक है, यहीं तक है आपका। अब देखिए जब ऐसा कंडीशन आ जाता है तो हम लोग सही से भरते हैं ताकि गलत होगा तो आंसर नहीं आ पाएगा, और इसमें भरने में आप सबसे ज़्यादा मिस्टेक करेंगे, हम जो जो आपको पॉइंट बता रहे हैं वहाँ आपसे मिस्टेक होगा, ये भरने में पक्का आपसे मिस्टेक होगा, एक बार आप खुद से बना के देखिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए एक्स बट्टा 61 में 5 से गुणा करिए, 61 का पहाड़ा तो आता नहीं है लेकिन गुणा करने आता है, 5 एकम हो जाएगा 5 और 5 छक 30, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 6 तरी कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। इज इक्वल टू वाई बट्टा 6 दूना कितना होता है 12 लेकिन माइनस में और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 61 के ही तो हो जाएगा 3 एकम 3 और 6 तरी 18 183। जब ये आपका 183 हो गया, अब यहाँ पे लिखते हैं 1/3 तरीका 9 प्लस 5 दूना 10, इसको आप पहले हम लोग सल्व कर लें। एक्स बट्टा जब ये जोड़िएगा तो 305 में 18 जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो ये लगभग आपका आना चाहिए 8 और 5 कितना होता है 8 और 5 हो जाता है आपका 8 और 5 हो जाएगा 13 के 3 हाथ में 1 और 1 और 1 2 और 3 323 इज इक्वल टू वाई बट्टा ये घटाइएगा तो आपका आना चाहिए 171 और ये हो जाएगा 1/19, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, यहां से अब आप क्या कीजिए, ये तो बहुत आसान है, कई बार बता चुके हैं और बार बार बताने के बाद आपको याद हो जाना चाहिए, दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। क्या कीजिएगा, इसको एक बार इसके बराबर कीजिए, इसको एक बार इसके बराबर कर दीजिए, ठीक है, ये क्योंकि सब आपस में बराबर होता है। तो यहां देखिए एक्स बट्टा 323 इज इक्वल टू 1/19, जब इसको कटाइएगा तो ये आपका 17 बार में कटेगा, तो मिला जुला कर यहाँ एक्स बराबर क्या आ गया 17, ठीक है। दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन में इसको बराबर कीजिए वाई बट्टा 171 बराबर 1/19, 19 × 171 वाई बराबर 19 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान भी निकल गया और y का मान, आप x का मान क्या माने थे, लंबाई माने थे x, तो वही लंबाई आपका कितना है 17 और लंबाई आपका यहाँ पे 19 × 9 होगा जी, 19 × 9, ठीक है, एक यहाँ पे लंबाई 17 और चौड़ाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखिए आपको ये टेबल याद करने की अब जरूरत नहीं है, 10th में आप जा चुके हैं तो आपको टेबल याद करेंगे, आपको गुणा करके बना सकते हैं। वैसे भी गांव में ऐसे लोग होते भी हैं जो बार बार कुछ आपको बहुत कुछ आता है लेकिन पूछेंगे 17 का पहाड़ा याद है 19 का पहाड़ा याद है, यही सब पूछ के बस परेशान करते रहते हैं। आप नहीं बताइएगा, आपके गार्जियन से बोलेंगे देखो कहाँ पढ़ता है कहाँ पढ़ने जाता है, यही सब होता रहता है। तो गाँव में 1-2 आदमी कांड करने वाले होते हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं है, उन लोगों से थोड़े ना हमको कॉम्पिटिशन में एग्जाम मिलने वाला है, ठीक है, हमको अपने लेवल पर तैयारी करना है। तो उन लोगों के बातों को इग्नोर करो, जस्ट फोकस ऑन योर गोल्स, ठीक है। तो फिर हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, उम्मीद करते हैं कि बहुत ही मजा आया होगा, तब तक के लिए जय हिंद।